यार आप इस समय देख रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। इस समय की सबसे बड़ी खबर, बिहार में अब अनलॉक 4, सीएम ने कर दिया है ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर यानी अनलॉक 4 को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 11वीं से सभी स्कूल में 50% स्टूडेंट आएंगे, सरकारी ऑफिस भी नॉर्मल तरीके से खुलेंगे, होटल रेस्टोरेंट में 50% लोग बैठेंगे। आपको इधर बता दें कि बिहार में अनलॉक 4 का ऐलान कर दिया गया है, यह बुधवार 7 जुलाई से लागू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है, ट्वीट किया है। बिहार में अब 11वीं 12वीं के सभी शिक्षण संस्थान और इससे ऊपर के कॉलेज 50% स्टूडेंट की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। इसके अलावा सभी सरकारी कार्यालयों को समान रूप से खोलने की अनुमति दी गई है। इन कार्यालयों में वो बाहरी व्यक्ति आ सकेंगे जिन्होंने कोरोना का टीका ले लिया है। आप जैसा सुन रहे हैं, देख रहे हैं स्क्रीन पर, यानी कि जो व्यक्ति कोरोना का टीका लिया है वही कार्यालयों में, जो बाहर से आने वाले हैं यानी कि कार्यालय में किसी काम से जा रहे हैं तो वह टीका लिए हैं तभी कार्यालय में जा सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, यानी कि सीएम ने कहा है कि बिहार में अब सभी होटल और रेस्टोरेंट भी 50% बैठने की क्षमता के साथ खुल सकेंगे। यानी कि अब होटल और रेस्टोरेंट जो है 50% की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। उन्होंने कहा है कि स्कूल कॉलेजों में 18 वर्ष से ऊपर के स्टूडेंट्स के लिए वैक्सीनेशन की विशेष व्यवस्था की जाएगी। बिहार में अनलॉक 4 के बारे में डिटेल गाइडलाइन शाम तक जारी किए जाएंगे। आपको आगे बता दें कि बिहार में 4 जून से अनलॉक शुरू हुआ था, क्षमा करेंगे, लॉकडाउन अनलॉक के दौरान भी कोरोना संक्रमण में गिरावट आई है, लेकिन अभी भी राज्य सरकार राज्य में 100 से अधिक नए मामले प्रतिदिन मिल रहे हैं। जिलों से भी सुझाव आए हैं कि पूरी तरह से पाबंदियों को अभी नहीं हटाया जाना चाहिए। सीएम लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन ग्रुप के साथ मीटिंग कर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। इधर आपको बता दें कि अभी यह पाबंदियां 23 जून से 6 जुलाई तक जारी है। अभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, जिम, स्कूल और कॉलेज बंद हैं। सरकारी स्कूल कॉलेज में किसी तरह की समीक्षा नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक और सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन समारोह पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक जारी रहेगी। सभी रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे में से खाने के सामान भी की होम डिलीवरी, टेक होम की सुविधा मिल रही है। आवासीय होटलों में रुके गेस्ट्स के लिए इन रूम डाइनिंग की सुविधा है। जरूरी सरकारी निजी सेवाओं में इनको छूट मिली है। जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, बैंकिंग सेवा एवं एटीएम से जुड़ी सेवाएं, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य इससे जुड़े हैं, ई कॉमर्स, कॉमर्शियल से जुड़े सभी गतिविधियां, कृषि से एवं इससे जुड़े कार्य, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान, निजी सुरक्षा सेवाएं, आवश्यक एवं खाद्य तथा फल एवं सब्जी, मांस मछली, दूध एवं पीडीएस दुकानें भी खुलेंगे। अब इधर आपको बताते चले कि आखिर मुख्यमंत्री ने क्या ट्वीट किया है। देखिए, पहला ट्वीट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, नीतीश कुमार का है, 3/3 यानी रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान का संचालन 50% बैठने की क्षमता के साथ हो सकेगा, अभी भी सावधानी की जरूरत है। अगला ट्वीट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि 2/3 विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, 11वीं एवं 12वीं तक के विद्यालय, यानी कि 11वीं और 12वीं तक के विद्यालय 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था होगी। और आगे 1/3 यानी कि आप पहला ट्वीट देखिए इनका, कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय को समान रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है। टीका प्राप्त आगंतुक कार्यालय में प्रवेश पा सकेंगे, जो टीका लगाए हैं वह
कार्यालय में जा सकते हैं। तो यह आज की थी बड़ी खबरें। शाम तक इसके संबंध में पूरी विवरण जारी कर दिया जाएगा बिहार सरकार की ओर से, यानी कि 11वीं 12वीं के स्कूल खोले जाने को लेकर आदेश दिया गया है, यानी कि अनलॉक 4 भी अब चालू होगा, 7 जुलाई से यह लागू हो जाएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, देखते रहे मगध संवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।